गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग कीटो शुरू कर रहे हैं और आज कीटो का डे वन है। तो मैं अपना डेली जर्नी शेयर करूंगा आज से, क्या मैं खा रहा हूं और क्या मेरा प्रोग्रेस रहा है विद कीटो। वेट है 80.4 kgs। तो दिस इज डे वन। तो सुबह उठ के गर्म पानी सबसे पहले पी लिया और अब है ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ये है बुलेट कॉफ़ी, ये है ऑमलेट विथ चीज़ एंड वेजीज जिसमें कैप्सिकम है, प्याज है, और ये आज का ब्रेकफास्ट होगा। इट इज बेसिकली फॉर फैट लॉस। अगर इफ यू आर यू हैव एक्स्ट्रा वेट एंड यू वॉन्ट टू लूज सम वेट, सो यू शुड डू कीटो डाइट। सो कीटो डाइट इज बेसिकली अ हाई फैट डाइट विद मिनिमम कार्ब्स। कार्ब्स नहीं खाने, फैट हाई रखना है, प्रोटीन्स खाने। सो बॉडी का जो फ्यूल है वो प्राइमरी होता है हमारा कार्ब्स का। सो इसके पीछे साइंस यही है, या लॉजिक कह लो, कि वी हैव टू स्टॉप द इनटेक ऑफ कार्ब्स सो दैट आर बॉडी स्विचेस टू बर्निंग फैट। सो जैसे ही फैट बर्निंग शुरू होता है तो हमारा जितना भी स्टोर्ड फैट होता है वो सारा बर्न होने लगता है एंड बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट चेंजेस फ्रॉम कार्ब्स टू फैट्स। सो इसी वजह से इट इज़ वेरी फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव। So it's lunch time now. So I'll just show you what I'm having in lunch today. So it includes slight carbs, which I couldn't avoid because I am on a vegetarian keto diet. So some carbs are there. So I'll just tell you why they are here and how to overcome that carbs that I'm taking. So this is the salad, which has some carrots, cucumber, cheese, and beetroot. This is curd and this is normal dal with spinach. So this dal has around 30 grams of carbs, which I could not avoid because vegetarians ke paas limited options hote hai, otherwise I could have eaten chicken. And after this, I will have this buttermilk also. सो इट्स 4 o'clock, सो टाइम फॉर बटर मिल्क। अब बटर मिल्क भी लेंगे। सो नाउ आई हैव सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट्स, सो इट विल कीप मी फुल टिल आई रीच होम। अब घर पहुंच गए। घर पहुंच के इवनिंग में हम दो चीज़ें खा सकते हैं। अभी भी भूख उतनी नहीं लगी है, हैवी था, तो एक हम खा रहे हैं पनीर विद चीज़। ये पनीर हमने फ्राई किया है और ये चीज़ है इसमें, और बॉइल्ड एग खा रहा हूँ मैं। और नीतू ऑलरेडी बटर मिल्क पी चुकी है और इसने ऑमलेट भी खाया है, जो कि चीज़ इसने दिखाया नहीं, चुपचाप खा गई। और यही हमारा आज का डिनर होगा। इसके साथ नॉर्मली हम सॉर्टेड वेजीज भी खाते हैं, लेकिन आज नहीं खा रहे हैं। आज एक एक्स्ट्रा आज एक एक्स्ट्रा खा रहे हैं उसकी जगह। एट ओ क्लॉक हो गया है, करेक्ट टाइम फॉर डिनर। हाँ, सो 8 o'clock पे हम खाना खा रहे हैं और इसके बाद शायद हम लेमन वाटर पिएं गरम करके, और वहीं पर हम अपना मील आज का खत्म कर देंगे। तो काफी फीलिंग रहा आज का दिन, डे वन था। सो अब कल मिलते हैं विद डे टू एंड आई विल शेयर माय प्रोग्रेस कि कल क्या हो रहा है।